हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन राइट नाउ, जो अभी आप देख रहे हैं उस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके बुक करना होता है, तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेमेंट करके बुक करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट देके नंबर को रख सकते हैं अपने पास और सेव करके रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत पर आपको ढूंढना ना पड़े। सो चलिए देख लेते हैं, जिन भी पर्सन को आप सोच रहे हैं, जिन भी लव लाइफ के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स हो गया, सबके लिए ओपन है। प्लीज इनसे गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन में है काफ़ी टाइम से, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं उनके लव पार्टनर। प्लीज इनसे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं जब आप देख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में ही सोच रहे हैं आपके पर्सन, ओके। राइट नाउ क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव वन, राइट नाउ क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव वन, ओके। साइन मैं यहाँ पर बता देती हूँ, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस लियो सजिटेरियस, ठीक है। तो ये साइन निकल कर आए हैं, तो राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन के साथ हैंग्ड मैन, तो 24/7 आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड में आप रहते हैं। आपके पर्सन कुछ मैजिक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप मैजिक की तरह उनके लाइफ में आ जाए, ठीक है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, या फिर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा है, ये सिचुएशन है। बाकी जिन भी सिचुएशन में आपके पर्सन हैंग थे, जहाँ पर भी वो अटके हुए हैं, वहाँ से सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं करंट एनर्जी में, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है, सिक्स ऑफ वैंस की एनर्जी है, विक्ट्री की कार्ड है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के बीच, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या फिर कोई अदर थर्ड पर्सन था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उन ऑब्स्टिकल्स के साथ फाइट करके आपके पर्सन जीत हासिल करके आपके तरफ आ रहे हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। खुद की प्यार को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुद की फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं, ओके। और इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको ओवरकम करके, उसको ख़त्म करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट मैसेजेस वो करने वाले हैं, फिलहाल आपको छोटा सा ही कोई जेस्चर वो करेंगे, छोटा सा ही ऑफर वो आपको देने वाले हैं। ऐसा वो बोल सकते हैं, क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे फिर से, क्या आप मेरे साथ रिश्ता रखना चाहोगे। तो फ्रेंड्स की तौर पे वो आपके लाइफ में आएंगे, और बाद में धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, ओके। और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेगा, यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने की भी चांसेस है, और सक्सेस मिलने की भी यहाँ पर चांसेस है। आने वाले टाइम में इस रिश्ते में आपका शादी होने के भी चांसेस है, और सक्सेसफुली हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। तो कमिटमेंट का कार्ड यही दिखा रहे हैं, स्टेबिलिटी का कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल लॉयल है आपके प्रति, और आपके लिए रेडी टू फाइट वाली एनर्जी में है। आपके लिए कोई भी जंग वो जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, और जीत हासिल करके वो आपको ही पाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके घर बैंड बाजा बारा लेके आना चाहते हैं, और आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं, किंग की तरह देखते हैं, एक स्टेबल एंड ग्राउंडेड एनर्जी की तरह देखते हैं, जैसे कि फाइनेंस और पैसों की तरह बहुत ही कीमती चीज़ है। आपको पकड़ के जकड़ के अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, और आपके पर्सन खुद इंतज़ार में है, खुद वेट कर रहे हैं कि कब तक उनके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आएगा, और आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ ही चल देंगे, आपको ही चुनेंगे, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन की विशेस आप हैं, और आपके साथ ही वो आगे की ज़िंदगी को ड्रीम कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगर आप उनको मिल जाते हैं तो उनका सारा विशेस फुलफिल हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं, क्लैरिटी को दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सक्सेस क्राउन की एनर्जी है, तो जो कि सक्सेस को दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड सक्सेस का कार्ड है। तो आगे जाके ये रिश्ता सक्सेसफुली वर्क करेगा,
और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आने वाले 6 to 9 days के अंदर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगा और धीरे धीरे करके आपका विश फुलफिल होगा। आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और विक्ट्री मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है 6 बजे तक 9 बजे तक, ठीक है, जब भी आप देख रहे हो, या फिर 6 से लेकर 9 घंटे के बीच भी यहाँ पर आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था छोटा सा एक रीडिंग आपके पर्सन की दिल की बातें आपके लिए क्या है। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।